सोनम। या हाय। क्या हाल है? फाइन। अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में। मैं 20 इयर्स ओल्ड हूँ एंड आई एम रियली एम्बिशियस। आपने दो साल पहले रोडीज के लिए ट्राई किया था? हाँ जी। क्यों? मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं किया था। बस मैं जीडी देने गई थी और मेरे ख्याल से मेरा परफॉर्मेंस जीडी में अप टू द मार्क नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे ग्रुप में जो कि मुझसे अच्छा बोल रहे थे, मुझे लगा। आप अपने बॉयफ्रेंड को इतना प्यार क्यों करते हैं? बिकॉज वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे प्यार करती हूं। आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ, उनका कुछ अफेयर हुआ था? या ही हैड एन अफेयर। एक्चुअली जब वो मेरे साथ भी थे तभी उनकी एक और फ्रेंड भी थी जो उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनका उनके साथ अफेयर है या कुछ भी रिलेशनशिप है। एंड सडनली वन डे आई गॉट टू नो अबाउट इट। मतलब एक्सीडेंटली आई यू नो मेरा उनका मोबाइल मेरे पास रह गया था एंड देन देयर वाज अ मैसेज व्हिच केम। सो आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे तब पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ही आस्क्ड मी टू फॉरगिव हिम एंड एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो गलत थे एंड ही विल नेवर डू इट इन हिज लाइफ फर्दर। सो आई काइंड ऑफ। और आपने ये बात इतनी आसानी से मान लिया? इतनी आसानी नहीं, झगड़े हुए थे, एवरीथिंग हैपेंड। मान लिया आपने? बट मैंने मान लिया। कितना झगड़ा हुआ था? बहुत झगड़ा हुआ था। एक दिन पूरा दिन झगड़ा हुआ था। एक दिन पूरा दिन। मेरे लिए यू मस्ट रियली लव हिम। हां, यू मस्ट रियली लव हिम। ही क्राइड अ लॉट, ही क्राइड अ लॉट एंड आई कुडंट सी हिम क्राइंग। सो आई आई कैन तुम्हारे पास मिलना चाहता हूं मैं। बहुत आसान तरीका है ये। इतना स्टड है वो, इतना उसको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। रोया वो? सीरियसली? वाह यार, ही मस्ट रियली बी सॉरी। मैं आपसे एक बार पूछूं? हां जी। क्या वो अपना मोबाइल आपके पास अभी छोड़ते हैं? कभी कभी, मतलब पहले तो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। अभी आप उनका मोबाइल कभी चेक करती हैं मैसेजेस? मैं नहीं करती, वो मेरा करता है। वो तुम्हारा करता है? हाँ जी। सोनम बोलो, आपका बॉयफ्रेंड आप पे फिर चीट करेगा? शायद अभी भी कर रहा हो, क्योंकि आप बहुत ही स्वीट हैं, आप बहुत ही आसानी से मान लेते हैं। गलिबल इज द वर्ड फॉर यू। वेरी गलिबल। थैंक यू। ओके, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। डिपेंड्स ऑन यू। यू नो आई डोंट रिस्पेक्ट योर बॉयफ्रेंड, यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही गॉट कॉट। But maybe now, after hearing that, उसने एक दिन में आपको मना लिया और उसके बाद से आप वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। I really like him. मैं मिलना चाहता हूँ उसे। Please आप ऐसा मत करिए, वो बहुत sweet है। चलो आप select होगे roadies में। हाँ जी। और वो फिर तीसरे दिन कहेगा कि तुम वापस आओ, तुम नहीं नहीं वो नहीं कहेगा। देखिए आप एक बार अगर वो कहेगा तो हाँ जी, सुनो एक हफ्ता और कहीं और बिता के उसके बाद फिर तुम्हें बोलेगा ठीक है यार तुम प्लीज मंडे को तुम वापस आओ। मैं मेरा दिल नहीं लग रहा। खाता फॉर्म में हम लोग महीना महीना भी अलग रहे हुए हैं बिकॉज उसने भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आई एम श्योर इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप अपने बारे में बताओ, आप कितने इंटेलिजेंट? प्लीज आप हंसो मत, डोंट रिडिक्यूल मी यार। आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग यू। यू थिंक आई एम रिडिक्यूलिंग? यस यू आर। दैट्स मे बी बिकॉज़ आई थिंक यू आर रिडिक्यूलस। दिस इज हाईली रिडिक्यूलस स्टूपिड टॉक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट यार। If somebody has cheated you, it means he's capable of cheating you? No. And you no? No, he's not capable of cheating me again. How ridiculous do you sound right now? He's not capable of cheating me again. He will not be able to... You know when I would believe that? If he had confessed to you on his own. The f*** got caught. Don't you dare. Don't you dare. Or else what? I cannot listen to that. What will you do? I don't know what. Your boyfriend is a d- wake up. See, I'm not abusing, so you don't abuse as well. Oh, please, I would love to hear you abuse. Nahi, I cannot abuse. I don't like people abusing. Sonam, jo kuch bhi tum sacred samajhte ho, uske bahar agar challenge mila to tum ja sakte ho. Agar wo dhokebazi karna hua, agar wo jhoot bolna hua. Dhokebazi nahi hai, jhoot nahi hai. Then I can do it. Then you can? Yes. Here is your first task on MTV and Hero Honor Roadies. Mm-hmm. एक मिनट के लिए और एग्जैक्टली एक मिनट के लिए आप जितने भी बुरी गालियां मीका को बक सकते हो बको। प्लीज एक मिनट। मैं सुनना चाहता हूं। आई कैन नॉट। मैं वेट रिवाइंड। व्हाट वाज शी जस्ट सेइंग? आई कैन डू इट। इफ यू थिंक दैट आई एम सेइंग नो टू दिस टास्क बिकॉज आई कैन नॉट अब्यूज, आई विल नॉट अब्यूज बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील। आई विल नॉट अब्यूज। देयर हैव बीन गाइस हु हैव बीन टेलिंग मी गो इनसाइड एंड अब्यूज। I cannot do that. My throat.
What an idiot you are, Nikhil. पागल है ये, बेवकूफ है. Stupid fool. गधा. तेरे को पता नहीं बात कैसे करते हैं लड़कियों से. नहीं, गंदे अंकल है. गंदे अंकल है. Listen. It's fine. Don't cry. Not crying. We don't mean to be rude. We're really sorry. Okay. I'm very sorry. It's okay. We all are. We cannot tell people outside. We normally tell everybody after the interviews are over. Mm-hmm. What we are supposed to do over here is put you under pressure to see how you react, which is mm-hmm. what we're trying to do. And I'm sorry it made you cry. Okay, it's fine. I succumb. हम सभी के साथ. But you're forgiven because you're a girl. We have some lesser expectations from you. Like you for this. I don't like you. I'm most certain that your boyfriend's a nice guy, and you. I hope that you have all the joy. I just. He's very lucky also. I wish him. I hope he deserves you. You can go. Thank you. Thank you. Say hi to your boyfriend.